दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गल्फ आइडिया चैनल में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कतर की जो पहली अपडेट आ रही है दोस्तों, वो कतर कस्टम डिपार्टमेंट से आ रही है। कल दोस्तों हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे 24 घंटा वहाँ पे चेकिंग किया जाता है। अगर आप कोई भी वर्ल्ड के कोई भी एयरपोर्ट में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे चेकिंग किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही इस मामले में बहुत ही सीरियस है। अगर कोई भी शख्स वहाँ पर इलीगल सामान में पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ़ बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों कस्टम डिपार्टमेंट ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दोस्तों एक पैसेंजर के लगेज को जब चेकिंग किया जा रहा था तो कुछ वहाँ पे स्मगलिंग का सामान पाया गया है जो कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पाया गया है। टोटल दोस्तों 3579 ग्राम का पाया गया है जो कि इसे सीज़ कर लिया गया है और दोस्तों उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस के पास भेज दिया गया है। इसलिए दोस्तों कतर अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि आपको परेशानी हो। आप बिल्कुल साफ़ सुथरा होके जाएं, वहाँ पे कोई भी गलत काम ना करें। आप बिल्कुल दोस्तों वहाँ पे सावधानी से जाएं क्योंकि दोस्तों वहाँ पे चेकिंग बहुत ही हार्ड होती है। जो कि दोस्तों कोई भी शख्स वहाँ पे कतर में काम कर रहे हैं या फिर सफ़र करना सोच रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधानी से वहाँ पे जाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा होके जाएं, कोई भी गलत काम ना करें। कोई भी अगर आप देश जाते हैं तो। और इसी तरह दोस्तों जो कतर की अगली अपडेट आ रही है वो कतर पॉपुलेशन को लेकर आ रही है। 2023 में दोस्तों 2 अप्रैल के दिन प्लानिंग और स्टैटिस्टिक अथॉरिटी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 2 अप्रैल 2023 को मार्च 2023 के एंड तक 30,05,069 लोग का पॉपुलेशन हो चुका है। मतलब दोस्तों वहाँ पे जो आबादी, कतर का जो आबादी है वो 30 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर मैं एक्यूरेट बोलूँ तो आपको 30,05,069 पॉपुलेशन वहाँ पर पहुँच चुका है। और पिछले फरवरी के मुकाबले दोस्तों वहाँ पे 6.3% वहाँ पे, मतलब दोस्तों वहाँ पे हर पिछले साल से इस साल वहाँ पे 6% वहाँ पे आबादी बढ़ी है। जो कि दोस्तों एक तरह से देखा जाए कि वहाँ पे कतर में हर साल वहाँ पे आबादी पॉपुलेशन बढ़ रही है। फिर कतर की जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, वो वहाँ पे जो अजगल डिपार्टमेंट है उसने डी रिंग रोड, मतलब एक ब्रिज बनने वाला है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज। और ब्रिज के साइड में दोस्तों जो जो लोग पैदल सफ़र करते हैं, डी रिंग रोड में एक ब्रिज है उसके साइड में दोस्तों एक काम चालू होने जा रहा है जो कि डी रिंग रोड नाम से जाना जाएगा। और ये और ब्रिज के साइड में दोस्तों एक पैदल चलने के लिए रोड बनाया जा रहा है जो कि ट्रैफिक सेफ्टी के लिए। ये काम 31 मार्च से शुरू हो चुका है और इस रोड को बंद भी कर दिया गया है। सुबह 3 बजे से लेकर अगला दिन सुबह 10 बजे तक, सुबह 3 बजे तक लेकर सुबह 10 बजे तक ये रोड बंद रहेगी, डी रिंग रोड। जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं इस रोड में बिल्कुल सफ़र ना करें जब तक कोई भी अजगल डिपार्टमेंट से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है। और इसी तरह दोस्तों जो कतर की अगली अपडेट आ रही है औकफ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रही है। दोस्तों कतर में टोटल वहाँ पर 10 इफ्तार टेंट लगाया जा रहा है और वहाँ पर हर दिन 10,000 लोग वहाँ पे फास्टिंग करेंगे, मतलब इफ्तार करेंगे। टोटल 10 इफ्तार टेंट लगाया जा रहा है जो कि रमज़ान के महीने में। और दोस्तों वहाँ पे टोटल हर दिन वहाँ पे 10,000 लोग वहाँ पे इफ्तार करेंगे जो कि कतर सरकार की तरफ से ये इंतज़ाम किया जा रहा है। वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल इंडोमेंट्स है उसने ये जानकारी दी है। और इसी तरह रोज़ आप मेरे चैनल से अपडेट लेना चाहते हैं, कतर के बारे में नई जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें।